कल हमने आपको पहले मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन वन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर, आज क्वेश्चन 1 to 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया। आज मैं आपको क्वेश्चन 6 कराऊंगी, एडिशन ही है। इसको इस तरह से करने 580 + 227 + 306। अब आपको आपको डायरेक्ट अगर एडिशन करनी आती है तो पहले हम इसमें वंस वंस वाले नंबर को लेकर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 580 में 0 है, 0 के अंदर ऐड करेंगे हम 7, 7 + 0 कितना होता है 7, और 7 में 6 ऐड करूँ कितना आएंगे 13, कितना आएंगे 13, 13 का यहाँ पर वंस के प्लेस पर लिखा 3 और 1 हम कर देते हैं कैरी, ठीक है। 1 हमने यहाँ पर कैरी किया हमारे दोनों शॉप पे जाकर, 1 कैरी किया तो 1 + 8 कितना हो गए 9, 1 और 8 कितने हुए 9, 9 में 2 ऐड करो 9 और 2 11, 11 में 0 ऐड करो 0, तो यहाँ पर 11 की क्या आएगी टेंस में 1, और जो 1 आया है वो हम यहाँ पर कैरी करेंगे। अब ये कितना हो गए 1 and 5 6 6, अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो इससे हम इसमें से एक भी नंबर नहीं लेंगे, और यहाँ 3 है तो 6 and 3 कितने हो गए 9, आपका आंसर आएगा 930। अब अगर आपको इस तरह से एडिशन नहीं आती है करनी, आपको डर रहता है कि हमारी रॉन्ग हो जाएगी, तो आप रफ में इस तरह से एडिशन की तरह नंबर लिखिए और उसको ऐड करके देखिए। देखिए 6 और 7 13, 1 कैरी 8 1 9 10 11 की 1, 5 और 1 6 3 9, आया 913, और हमारे भी क्या आ रहा है 913। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, 473 - 296, 473 में से 296 आपको माइनस करते हैं। अब आपको अगर इस तरह से नहीं करना आता है, आप एक रफ साइड में लिखिए 473 - 296, इसे माइनस करिए। अब यहाँ पर ऊपर वाला नंबर बड़ा है 3, छोटा है 3, और नीचे वाला है बड़ा 6। अब देखिए 3 में से आप 6 दे सकते हैं क्या किसी को, नहीं ना, तो हम क्या करेंगे 7 में से 3 को 1 बरो करेंगे, 7 में से 3 को 1 बरो किया तो ये नंबर हो जाएंगे 110, इसको दे दिया तो ये हो गए 13, और 7 के टेंस की जगह यहाँ पर रह जाएंगे 6 टेंस, ठीक है। अब ये 13 रह गए, हो गए 13 में से 6 माइनस करो कितने बचेंगे आपके पास 7, कितने 7, आया समझ में। अब 6 यहाँ पर और नीचे बड़ा नंबर है 9, तो 6 में से 9 माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, तो आप 4 में से 1 इसे बरो करो और 4 के पास रह जाएंगे 3, 16 में से 9 गए 7, वेरी गुड। और अब 3 में से 2 माइनस करो क्या बचेगा 1, यहाँ नंबर क्या आएगा 177, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 8 है आपका, इसमें देखना आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स करके करनी है, 364 + 67 - 199, यही नंबर है ना। अब इसमें क्या करेंगे, पहले जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं इन दोनों नंबर को हम करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस, और फिर जो आंसर आता है ऐड करने पर उसमें से इस नंबर को हमें क्या करना है माइनस। पहले इन दो नंबर्स को ऐड करो, 364 + हमें इसमें करें 67, 4 and 7 11, 6 और 1 7, और 6 13, 3 और 1 4,
ये कितने नंबर हुए 431। जब सॉल्व करेंगे हम इस तरह से करेंगे 431 माइनस 99, ठीक है। अब 431 में से आपको 199 माइनस करना है, रफ में करके देखो आप इस तरह से। 1 में से 9 कर सकते हैं क्या? 9, तो 3 में से 1 इसको दिया, 3 के पास रह गए 2, 11 में से 9 गए तब क्या बचेगा 2। अब 2 में से 9 कर सकता है 9, इसमें यहाँ बचा 3, 12 में से 9 गए 3 और 3 में से 1 गए 2, यहाँ पर आंसर आएगा 232। आया समझ में? इस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले टू जो नंबर हमें पहले दिया हुआ है और जो साइन हमें पहले दिया हुआ है हम उस साइन को फॉलो करेंगे। पहले हमें ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है क्योंकि बीच में कौन सा साइन दिया हमको, प्लस का। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर में से अगले जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है हमें उसको हम माइनस करेंगे। Is that clear? Question number 9, 37 minus 15 plus 10. ये भी इसी तरह से होगा, यहाँ हमने ऐड किया है और यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये बहुत सिंपल है, 37 minus 15, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गए 2, अब इसमें प्लस 10 ऐड करूँ कितने होंगे 32। आए समझ में? ये इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये नोटबुक में चारों क्वेश्चंस करने हैं और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल नोटबुक्स रखकर चेक करो और हमें हमसे कंसल्ट करके जाओ। हैव अ नाइस डे।